2023 की शुरुआत कितनी शुभ रहेगी? जनवरी माह में कैसी रहेगी सेहत? जनवरी माह में कैसे रहेंगे संबंध? जनवरी माह में कामकाज कैसा चलेगा? जनवरी माह में कितना कमाएंगे? जनवरी माह में किस्मत देगी कितना साथ? धर्म ज्ञान पर देखिए जनवरी माह मासिक राशिफल 2023। नमस्कार, धर्मज्ञान की खास पेशकश मासिक राशिफल 2023 में मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। जनवरी माह यानी कि साल की शुरुआत आप लोगों के लिए कैसे रहने वाली है, जो कि ग्रहण योग में जनवरी की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों के लिए यानी कि आप लोगों के लिए ये महीना कैसा रहेगा? आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ अब नए साल में कैसे रहने वाली है, जनवरी से का ये जो समय है अब आपका कैसा रहेगा, हर पहलू पर बात करेंगे हमेशा की तरह। ये सबसे पहले आपकी ग्रह स्थिति, आपके भाग्य के सितारे क्या कहते हैं इस महीने, ये जान लेते हैं मयंक जी से, बताइए। बिल्कुल, कर्क राशि वालों, नव वर्ष की शुरुआत में क्या ग्रह स्थिति आपकी बन रही है ये आपको बताते हैं। वैसे तो अभी इस समय आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं बहुत ही सुंदर नज़र आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी ग्रहों की स्थिति आपके लिए लाभकारी बनी हुई है जनवरी मास में। तो चलिए डालते हैं आपके पहले भाव पर नज़र। पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है, पंचम भाव खाली है, छठे भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग, सप्तम भाव में शनि और शुक्र की युति है। अब देखिए, शनि बस यहाँ आप कुछ समय के लिए ही हैं और 17 जनवरी से शनि आपके अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे, यानी कि शनि की ढैया का प्रारंभ होना हम इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, बताएंगे आपको क्या सावधानी रखनी है। गुरु भाग्य स्थान में बहुत ही सुंदर राजयोग बना के बैठे हैं। दशम भाव में राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष बनेगा और 11वें भाव में मंगल लाभ देने के लिए तैयार बैठा है। 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं। तो देखिए, इस समय ग्रह स्थिति कर्क राशि वालों की अगर हम बात करें जनवरी मास, तो इनके लिए ये काफ़ी अच्छा रहता हुआ नज़र आ रहा है और कुल मिलाकर आपके लिए कहना चाहिए नए कार्य की शुरुआत करने के लिए एक सुनहरा मौका होगा। बिल्कुल, तो एक सुनहरा मौका है अब आपके लिए आने वाला ये समय आपके लिए अब कितना अच्छा रहने वाला है, कितना खुशनुमा और कितना खुशियों भरा रहेगा। आइए बात हो जाए आपकी हेल्थ को लेकर, यानी कि सेहत। देखिए, सेहत को लेकर बात करें तो कर्क राशि वालों को अक्सर हमने देखा है कि जनवरी का मास इनके लिए सेहत के लिए उतना बेहतर नहीं रहता है जी। जिस तरह की ग्रह स्थिति होती है उसके कारण इनको जनवरी मास में कफ, कोल्ड की समस्या, गले छाती में तकलीफ, बुखार इत्यादि अधिकतर देखा गया है। और अभी तो चतुर्थ भाव में केतु चल रहा है, तो गले छाती के रोग आपको परेशान कर सकते हैं जनवरी मास में। बुध छठे भाव में है सूर्य के साथ, तो अपनी सेहत का विशेष कर ध्यान रखें। क्या कर्क राशि वालों को जो कॉमन दिक्कत है, इनको डाइजेशन की दिक्कत रहती है जी। या कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत कभी कभी हो जाती है, या कहें कि एसिडिटी या गले छाती के रोग, कफ, कोल्ड, फीवर इत्यादि, तो इस महीने ये कॉमन जो प्रॉब्लम है ये थोड़ी बढ़ सकती है। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि पूरे माह आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय अगर आप कहीं यात्रा पे जाते हैं तो अपने साथ मेडिसिन भी लेके जाएं जो आपको दिक्कत चल रही है। लापरवाही बिल्कुल ना करें, अगर छोटी सी भी समस्या है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराएं, खुद से इलाज ना करें, अन्यथा भारी पड़ सकता है। क्योंकि एक बात और ध्यान दीजिए, शनि की ढैया भी लगेगी और शनि अष्टम भाव में, हालांकि स्वराशि के हैं तो स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, दीर्घायु योग बनेगा, लेकिन फिर भी परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि ढैया लगेगी। तो सेहत को लेके लापरवाही बिल्कुल ना करें आप। चलिए मेंगी, ये तो आपने इनकी सेहत को लेकर इन्हें सतर्क करने की कोशिश की है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ है, अब साल के शुरुआत से इनके करियर के लिए कैसा रहेगा? छात्रों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। जो छात्र विदेश जाने की ओर सोच रहे हैं, अष्टम का शनि विदेश यात्रा करवाएगा, पढ़ाई के लिए भी कराएगा। मंगल अभी लाभ स्थान में है, मंगल अभी 12वें भाव में भी आएंगे, तो कुल मिला के विदेश जाने वाले छात्रों के लिए जनवरी से लेके मार्च का समय काफ़ी फेवरेबल है। इस समय आप विदेश जा सकते हैं, विदेश जाकर पढ़ सकते हैं, विदेश जाकर नौकरी भी लग सकती है, विदेशों से लाभ होने के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको सिर्फ क्या करना है कविता जी, देखिए मेहनत तो हर जगह चाहिए और मेहनत करेंगे तभी भाग्य साथ देगा, अन्यथा भाग्य कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ कर्क राशि वालों को लापरवाही छोड़ के मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी तो सफलता फिर तय है। अगर बात करेंगे रिश्तों को लेकर, तो साल की शुरुआत इनके रिश्तों के लिए जो मैरिड हैं और जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं उनके लिए भी ये समय कैसा रहेगा? देखिए, प्रेम प्रसंग हो या वैवाहिक जीवन हो, ये महीना शानदार रहेगा। आपका
उत्तम वैवाहिक सुख भोगेंगे, विवाह के भी योग बन रहे हैं या रिश्ता तय भी हो सकता है इस समय पे। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे, तो कुल मिलाकर ये पक्ष आपका बहुत ही बेहतर है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। जो लोग संतान प्राप्ति की चाह देख रहे हैं जी। तो नवम भाव का गुरु जिसकी दृष्टि पंचम भाव पर है, उत्तम संतान प्राप्ति की भी योग बन रहे हैं, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि विवाह के भी प्रस्ताव आएंगे और आने वाले समय में आपका विवाह हो जाएगा, खासकर अगर आपकी आयु 28 वर्ष से ज़्यादा है। जिनकी आयु 28 वर्ष से कम है, ध्यान से सुन लें, उनकी संभावनाएँ कम बनेंगी, क्योंकि कर्क राशि या कर्क लग्न में देखा है कि 28 वर्ष की आयु के बाद विवाह निश्चित होता है। चलिए, अब तक हमने बात की आपकी हेल्थ को लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर और स्टूडेंट्स के बारे में, और अब जान लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्या कहती है। जी हाँ, साल की शुरुआत में आप अपना कोई नया कार्य, अपना कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ आप कैसा काम करेंगे, आपका वर्क फ्रेंड क्या कहता है जनवरी में, जान लेते हैं। देखिए, जनवरी का महीना काम कारोबार के लिए कविता जी बहुत ही अच्छा रहेगा इनके लिए, क्योंकि शनि की स्थिति अभी बहुत बेहतर है। भले ही शनि अष्टम में आएंगे जी, लेकिन उसके बावजूद भी जनवरी का माह इनके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि भाग्य स्थान में गुरु और दशम स्थान में राहु जो हैं वो अब इनको शुभ फल देने की तैयारी में है। तो आप अपना काम मेहनत से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी हो, आपका बिजनेस हो, सब में अच्छी मात्रा में लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये महीना जो है काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। ऐसे में धन लाभ कितना होगा अब आने वाले समय में? देखिए, मंगल राहु की स्थिति और गुरु की स्थिति प्रचुर मात्रा में धन लाभ दे रही है। शुक्र भी ऐसी स्थिति में आ रहे हैं, बुध भी ऐसी स्थिति में रहेंगे कि जिस धन लाभ में वृद्धि ही करेंगे, तो कुल मिलाकर समय अच्छा है। व्यापारियों को अच्छा धन लाभ मिलेगा जी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, नौकरी पेशा लोगों को भी पहले से ज्यादा आमदनी की प्राप्ति होगी। मैं जी, क्या लगता है 2023 की शुरुआत से ही भाग्य अब इनका कितना साथ देने लगेगा, इनके बनते मतलब बिगड़े हुए कार्य कैसे बन जाएंगे? देखिए, 2023 में शुरुआत से ही इनके लिए काफी बेहतर रहेगा। इनको भले इस शनि की ढैया संपूर्ण वर्ष रहेगी, लेकिन इनको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि गुरु जो इनके मुख्य ग्रह हैं, मंगल मुख्य ग्रह हैं, वो अच्छी स्थिति में रहेंगे। राहु भी भविष्य में अच्छी स्थिति में आने वाले हैं, पूरे वर्ष अक्टूबर के बाद भी, तो मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई चिंता कर्क राशि वालों को करनी चाहिए। अष्टम भाव में शनि जब जाते हैं तो धन भाव को देखते हैं, धन लाभ होने की संभावना बढ़ती है। अब देखिए, शनि की जो दृष्टियां पड़ रही है ना, वो नीच दृष्टि कार्यस्थल पर पड़ेगी, तो आपको कार्यस्थल पर कोई लापरवाही नहीं करनी है। यानी कि ये नहीं सोचना है कि आज का काम कल पे डाल दें, दफ्तर लेट जाना शुरू कर दें, कोई भी वहाँ विवादों से दूर रहें तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। किसी को पैसा उधार देने से पहले 10 बार सोच समझ कर ही दें, अन्यथा वो पैसा फंस सकता है, तो ये थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। भाग्य प्रतिशत बहुत अच्छा रहेगा इनमें गुरु के कारण। मैं तो कह रहा हूँ कि 95 से ऊपर ही भाग्य साथ है, क्योंकि जब तक गुरु भाग्य स्थान में है तो भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा और सभी कार्य पूर्ण होंगे। बिल्कुल, इससे बड़ी बात क्या है जब आपके भाग्य में ही गुरु बैठ गए हो। बिल्कुल, मैं जी उपाय बता दीजिए। उपाय के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए शनि के उपाय आपको हम अभी से ही बता के चल रहे हैं, क्योंकि सेकंड हाफ में शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा 17 जनवरी को। तो आप क्या करें, प्रत्येक शनिवार आपको शनि देव को 5 बादाम शनि प्रतिमा पर चढ़ाएं, एक कटोरी सरसों का तेल, उसमें अपना चेहरा देखें और वो शनि देव को चढ़ाएं। बहुत से लोग हम जब मंदिर में जाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी गलती करते हैं, शनि देव के दर्शन करते हैं। देखिए, शनि की टेढ़ी दृष्टि तो खतरनाक है, तो आपको कभी भी शनि देव की नजरों से नजरें नहीं मिलानी चाहिए। गर्दन नीचे करके उनको तेलाभिषेक करें, बादाम चढ़ाएं, काले तिल या काले उड़द जो भी करना है वो गर्दन नीचे करके उनको चढ़ाना चाहिए। शनि से नजरें नहीं मिलानी चाहिए, अन्यथा हम कहते हैं कि शनि की अगर कुदृष्टि पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं अशुभ फल जो है वो बढ़ने लगते हैं। और शनि का दान संध्याकालीन में करें, आजकल जैसे दिन जल्दी छिप जाता है, तो आप 6 बजे के आसपास 7 बजे के आसपास करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार का व्रत भी कर सकते हैं अगर आपको मानसिक तनाव हो रहा है, या ओम शम शनिश्चराय नमः इसका जाप करें, और रोजाना हनुमान चालीसा का जाप करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा उपाय क्या करना है कि आपको सूर्य देव को जल लगातार देना चाहिए, जिससे आपको भाग्य में वृद्धि होगी, धन लाभ के योग बनेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। एक उपाय आपको बहुत ही सुंदर उपाय बताने जा रहे हैं कि सोमवार के दिन ये उपाय आपको एक ही बार करना है, चांदी का सिक्का बहते जल में प्रवाहित करना है। ये आपको दोपहर के समय करना चाहिए, जिससे आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और कोई भी बीमारी या कोई भी परेशानी चल रही है उससे भी राहत मिलेगी। चलिए, तो ये थे मिस्टर मयंक जी, जिनसे मैंने जाना कर्क राशि के लिए साल की शुरुआत जनवरी
क्या कुछ लेकर आ रही है। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।